केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया कि मैं ईडी के सामने नहीं पेश हुआ, मैंने कोई गैरकानूनी काम देखी है, ये सिर्फ हमारी पार्टी और मुझे लोकसभा में काम करने के लिए रोका जा रहा है और ये गैरकानूनी है। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है, जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं, एक एक साल से ज्यादा पड़े हैं। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे, कहां फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।